दक्षिण अमेरिका जिसकी अवस्थी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के जो है बीच में है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी ओर अटलांटिक महासागर है एवं पश्चिम की ओर जो है वो प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो भी ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन है उसको देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे पहले हम एंडीज पर्वतमाला के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जो है वो पूरी तरीके से जो विस्तृत है, पूरा जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तृत है। और यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि दक्षिणी अमेरिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये है कि जैसे हमारी पृथ्वी को एक चपटी जो है अंडाकृति आकृति माना गया है, तो यहाँ पर एकदम बीच से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा का मतलब क्या है कि जीरो डिग्री देशांतर की जो रेखा है, अक्षांश की जो ये रेखा है उसको हम जो है विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध इसको बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये लोकेशन है, यहाँ पर जो है वो दक्षिण अमेरिका की जो है लोकेशन है। तो कुल मिलाकर के दक्षिण अमेरिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर देख लेते हैं एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, साथ ही जो है ये पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 7200 किलोमीटर के बराबर है। 7200 किलोमीटर के बराबर दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है। और साथ ही एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पहले जानना आवश्यक है कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फोर्थ जो है सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं कि फोर्थ रैंक का जो है ये महाद्वीप है। और वो फोर्थ इसलिए है क्योंकि पहले स्थान पर जो है वो एशिया महाद्वीप है। पहले स्थान पे जो है आपका एशिया महाद्वीप है, वहीं पर दूसरे स्थान पे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरे स्थान पे अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे स्थान पे जो है उत्तरी अमेरिका है, तीसरे स्थान पे जो है वो उत्तरी अमेरिका है, और चौथा स्थान जो है वो किसका है, तो चौथा स्थान जो है वो दक्षिणी अमेरिका का है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और दक्षिण अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जिसके पूर्व में जो है वो अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर स्थित है। और सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा एंडीज पर्वतमाला को, जिसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है, पूरे विश्व में जो है वो सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी जो है वो क्या कहते हैं, वो एकांकागुआ है। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है क्या कहते हैं वो 6960 मीटर है, और ये है एकांकागुआ। साथ ही में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण लोकेशन है, देखते हैं कि एंडीज पर्वतमाला पर ही जो है ओजेस डेल सेलाडो, यहाँ पर देख सकेंगे कि एकांकागुआ के ठीक उत्तर में जो है ओजेस डेल सेलाडो, ये ज्वालामुखी है जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि विश्व का कहाँ का विश्व स्तर पे जो है विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का जो है सबसे ऊंचा जो है ये ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओजेस डेल सेलाडो। ओजेस डेल सेलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और सवाल में अगर पूछा जाता है कि ओजेस डेल सेलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये कहां पर स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ओजेस डेल सेलाडो यहां पर देख सकते हैं, ये है ओजेस डेल सेलाडो। इसके साथ ही में जहाँ जान लेते हैं कि ओजेस डेल सेलाडो जो है ये है कहाँ पर, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है इसके हम पॉलिटिकल मैप को देखने पर स्पष्ट होगा। तो ये जो चिली, ये आपका चिली है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी देश चिली है, और यहाँ पर जो है ये अर्जेंटीना है। तो ये चिली और अर्जेंटीना की जो है सीमा पर स्थित है ओजेस डेल सेलाडो। और अगला यहाँ पर इसी के साथ में है एक तांबे की खान है, जो कि दक्षिण अमेरिका की जो है वो सबसे बड़ी है, और साथ ही में उसको हम विश्व की तांबा राजधानी बोलते हैं। और उस तांबे की खान का नाम है चुकीका माता। तांबे की खान का नाम क्या है, चुकीका माता, चुकीका इसका नाम है, चुकीका माता, जो कि इसे विश्व की
तांबा राजधानी भी बोलते हैं, पूरे विश्व की जो है वो तांबा राजधानी कहते हैं, और जो कि चिली में, चिली के जो है वो करीब है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर है। 3000 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो चुकीका माता तांबे की खान है, जिसे विश्व की तांबा राजधानी बोलते हैं, और ये इसकी अवस्थिति जो है वो चिली के निकट है। अब इसके बाद में दो चीज़ें और हैं, एक है मोंटाना, मोंटाना क्या है, और एक है लामा। लामा तो मोंटाना दरअसल ये है कि मोंटाना एक प्रकार का जो है ये जंगल है। क्या है? जंगल है। तो जैसे पर्वत होता है, कोई भी पहाड़ होता है, तो उसके दो सिरे होते हैं, एक होता है पूर्वी सिरा और एक होता है पश्चिमी सिरा। तो इसको हम पूर्वी सिरा बोलते हैं मैप के हिसाब से, और इसको हम पश्चिमी हिस्सा बोलते हैं। तो इसके जो है पूर्वी जो ढलान है पर्वत का, जो रॉकी ईश्वरी इंडीज पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है, इस पे जो है जो वन पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसी वन को हम मोंटाना बोलते हैं। यहाँ पे जो वन पाया जाता है उसको हम मोंटाना बोलते हैं, और पर्वत के ऊंचाई वाले हिस्से पे एक लामा नाम का जो है जानवर पाया जाता है, लामा नाम का जो है एक पशु पाया जाता है, जो बोझा ढोने के काम में आता है। इसे हम बोझा ढुलाई में यूज करते हैं, और ये हमारे यहाँ ठीक उसी प्रकार से होता है दक्षिण अमेरिका में लामा, जैसे गुजरात के कच्छ में गधा पाया जाता है। गुजरात के कच्छ में गधा होता है, गधा भी बोझा ढोने के काम में आता है। तो ठीक उसी प्रकार से मोंटाना जो है हमारे दक्षिण अमेरिका का वन है, जंगल है, जो कि उसके ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये मोंटाना जो है वो पूर्वी ढाल पे पाया जाता है। मोंटाना कहाँ पे पाया जाता है? वो पूर्वी ढाल पे पाया जाता है। पूर्वी ढलान के जो वन पाए जाते हैं उसको हम मोंटाना बोलते हैं, और ऊंचाई पर जो है वो लामा नाम का एक जानवर पाया जाता है, जैसे गुजरात में हमारे यहाँ कच्छ में जो गधा पाया जाता है वो बोझा ढोने के काम में आता है, ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में एक जानवर पाया जाता है जिसको हम लामा कहते हैं। अगला देखते हैं कि एंडीज पर्वत के पास ही जो है वो अटाकामा का मरुस्थल है, और अटाकामा का मरुस्थल, दरअसल मरुस्थल पे क्या होता है, वो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा का अभाव के कारण जो है अटाकामा के मरुस्थल में नाइट्रेट जो है नाइट्रेट की बहुलता है। और उसके बाद में एक है अरिका। अरिका दरअसल चिली के पास में, उत्तरी चिली में, ये कहाँ पर पड़ता है अरिका, ये जो है वो उत्तरी चिली में एक लोकेशन है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है क्या है? अरिका। और अरिका कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी चिली में ये पड़ता है। दोनों हम लोकेशन देखते हैं मैप पे, यहाँ पे है अटाकामा का मरुस्थल, यहाँ पे ये है अटाकामा डेजर्ट। यानी कि अटाकामा डेजर्ट अगर मैप के हिसाब से देखें तो दक्षिण अमेरिका का ये मध्यवर्ती भाग है, जिसको अगर हम ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करें, और एक प्रकार से ये मरुस्थल है अटाकामा का। तो अभी जो मैंने एक प्लेस का नाम बताया था अरिका, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल मैप पे, यहाँ पे अरिका जो है ये उत्तरी चिली का हिस्सा है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। तो अगर पॉलिटिकल मैप में और फिजिकल मैप में, दोनों में हम लोकेशन को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, तो वो अटाकामा के मरुस्थल के पास ही पड़ता है, यानी कि उत्तरी चिली का या दक्षिणी अमेरिका का सबसे शुष्कतम स्थान, या पूरे विश्व का जो है वो सबसे शुष्कतम स्थान जो है अरिका है। और वो कहाँ पे स्थित है? तो वो अटाकामा डेजर्ट में स्थित है, और अटाकामा का डेजर्ट कहाँ पे है? तो वो दक्षिणी अमेरिका में है। अब दक्षिण अमेरिका में हम ब्राज़ील जो है सबसे महत्वपूर्ण देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, कई नज़रिए से जो है ब्राज़ील महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे कि ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और इसकी सीमा अगर देखा जाए तो इसकी सीमा जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वही कंटेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सीमा जो है इक्वाडोर, यहाँ पे देख सकते हैं ये है इक्वाडोर, इक्वाडोर और चिली। तो दो देश हैं इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके, बाकी सभी देशों के साथ में ब्राज़ील की सीमा मिलती है। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है कि वो कौन सा दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी, कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमाएं जो हैं वो ब्राज़ील के साथ में नहीं मिलती हैं।
तो दो दो देश है, एक तो इक्वेडोर है, दो देश हैं, एक का नाम है इक्वेडोर, इक्वेडोर बड़ा मार्कर सही से नहीं चल रहा मेरा, एक का नाम है इक्वेडोर है और दूसरा जो है वो है चिली। तो इन दोनों देशों की सीमाएं जो है किससे नहीं मिलती हैं, तो इन दोनों देशों की सीमाएं जो है वो ब्राज़ील से नहीं मिलती हैं। और साथ ही में भी हम ब्राज़ील के बारे में और सारी कंटेंट देखने वाले हैं, चूँकि ब्राज़ील जो है वो कई नज़रिए से हमने बताया था महत्वपूर्ण है, जैसे कि ब्राज़ील जो है वो मैंगनीज उत्पादन में जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है क्या कहते हैं मैंगनीज उत्पादन इसका है मैंगनीज में, मैंगनीज के मामले में। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो क्या है, वो ब्राज़ील है, जिसको मैंने आपको मैप पे अभी दिखाया, जिसकी सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ में लगती है। तो दो देश हो गए इक्वाडोर और चिली, उसके बाद में है ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। तो काफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, वो ब्राज़ील में होता है। यहाँ कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं, कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि कॉफ़ी उत्पादन के मामले में तो नाम दे देते हैं कॉफ़ी और देश का भी नाम दे देते हैं वहाँ पे क्या रहता है। तो कॉफ़ी अगर दिया है ब्राज़ील दिया है तो ब्राज़ील उसका मिलान करके सही किया जा सकता है, और अगर कॉफ़ी दिया है और या क्या कहते हैं ब्राज़ील दे रखा है और साथ में मिलान करने के लिए फजेंडा भी आ सकता है, फजेंडा जिसको कहवा के बागानों को जो है वो दक्षिण अमेरिका में फजेंडा बोलते हैं, तो इसका मिलान जो है वो फजेंडा से हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राज़ील जो है वो विश्व में कहवा का पात्र कहा जाता है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ब्राज़ील में जो है कहवा की सबसे बड़ी मंडी है, जिसको साओ पाउलो बोलते हैं। साओ पाउलो ब्राज़ील में कहवा की सबसे बड़ी मंडी है, और इसके लिए जो है बाकायदे क्या कहते हैं उसके लिए एक बंदरगाह बनाया गया है, पोर्ट बनाया गया है, जिसका नाम सेंटास बंदरगाह है। यहाँ से जो है कॉफ़ी का जो है पूरी विश्व में जो है निर्यात किया जाता है, और इस बंदरगाह की जो है निर्यातपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है इसके पॉलिटिकल मैप पर अगर देखेंगे तो साओ पाउलो यहाँ पर आपको ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से में जो है वो साओ पाउलो दिखेगा, यहाँ पर है साओ पाउलो, और साओ पाउलो से सटा हुआ ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से में क्या कहते हैं सेंटोस बंदरगाह है, जिसे हम कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है, और आपको पता होगा कि सोयाबीन उत्पादन के मामले में भारत में मध्य प्रदेश जो है एमपी जो है वो उसकी फर्स्ट पोजीशन है। पूरे देश का सबसे ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन होता है, और उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है, और पूरी विश्व में जो है इसका उत्पादन के मामले में जो है वो दूसरा स्थान है। तो सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील का जो है पूरे विश्व में जो है दूसरा स्थान है। उसके बाद में है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। तो ब्राज़ील की जो है एक और खासियत ये है कि ये मैंगनीज उत्पादक देश है, और मैंगनीज उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में जो है इसकी तीसरी पोजीशन है। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये है और क्या कहते हैं कि अमापा खान जो है यहाँ की सबसे अच्छाई है कि अमापा खान जो है वो संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। तो ये पूरी आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे अमापा खान जो है ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं खान है। इटावीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। तो इटावीरा जो है वो ब्राज़ील में एक जगह का नाम है जहाँ पर जो है लौह अयस्क का जो है उत्खनन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल ऐसे बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाम मिलाने के लिए दे सकते हैं कि इटावीरा दे दिया उन्होंने। अब इटावीरा का मान लीजिए आपको मिलान करना है तो इसका मिलान जो है ब्राज़ील से ही हो सकता है, और बहुत अंदर में जाएंगे तो लौह अयस्क से हो सकता है, ठीक है, लौह अयस्क से हो सकता है। और अधिक पोजीशन पे अगर मान लीजिए पूछना चाहते हैं तो बनाया जा सकता है कि इटावीरा जो है वो पड़ता कहाँ पे है, तो ये जो है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण जो कंटेंट है ये है कि ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है विश्व में, इसका जो है दूसरा स्थान है। तो कोको का जो है यूज जो है पता होगा कि जो है चॉकलेट के जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, तो कोको जो है वो क्या कहते हैं दूसरा स्थान है इसका।
और साथ ही में रबड़ के पेड़ का जो है मूल स्थान जो है वो ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील से जुड़े कई सारे कंटेंट एक हो गए, एक तो मैगनीज हो गया, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या कहते हैं ब्राज़ील में सोयाबीन हो गया जिसकी पोजीशन एमपी में अपने यहाँ है या क्या कहते हैं, और उसके बाद में अमापा की खान जो हो गई जो कि लौह अयस्क से मैगनीज से संबंधित है, इटावीरा जो है ये लौह अयस्क जो है केंद्र है और कोको उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है इसका योगदान है ब्राज़ील का, जिसमें पूरी दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इसका सेकंड पोजीशन है। और साथ ही में रबड़ के पेड़ का जो है मूल स्थान जो है वो कहाँ पे है, वो भी ब्राज़ील ही है। अगला देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अगर आप मैप में देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो है वो सबसे बड़ा देश समझ में आएगा ये है अर्जेंटीना है, जो कि चिली से सटा हुआ है और क्या कहते हैं उरुग्वे, पराग्वे और ब्राज़ील, बोलीविया और चिली के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और इससे जुड़े सारे कंटेंट देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, जैसे कि अर्जेंटीना में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है, तो सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है, वो अर्जेंटीना में होता है। उसके बाद में चैको का मैदान अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, चैको जिसको ग्रान चैको भी एटलस पे लिखा हुआ मिलता है, और यहाँ पे जो है वो ग्रान चैको है यहाँ पे जो कि बोलीवियन प्लेट्यू के पास में है लगभग, और ये जो है कपास उत्पादक क्षेत्र है, जैसे भारत में जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान है कपास प्रोडक्शन के मामले में, वैसे ही जो है दक्षिण अमेरिका में ग्रान चैको है जहाँ पर जो है कपास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मिलान करने के लिए आ सकता है कि ग्रान चैको और कपास के साथ में अगर उसका जो है मिलान होगा तो वो सही होगा। उसके बाद में अगला है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सूरजमुखी के फूल के प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, सनफ्लावर के प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि उसके जो है सीड जो है बीज के जो है प्रोडक्शन के मामले में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो क्या कहते हैं इसका विश्व में जो है दूसरा स्थान है, और मांस उत्पादक निर्यात में जो है उत्पादन में नहीं, देखिए उत्पादन और निर्यात ये दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर उत्पादन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट की बात हो रही है, निर्यात की बात हो रही है। तो अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। उसके बाद में पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में पाई जाती है जिसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। तो पंपास की नाम की जो है घास भूमि पाई जाती है और ये इसको जो है अर्जेंटीना की जो है हृदय बोलते हैं। उसके बाद में ये है कि अर्जेंटीना के बड़े बड़े पशु फार्मों को एक्टांसिया कहते हैं और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। तो ग्वांको का संबंध जो है वो एक्टांसिया से होगा,